Dear student, in this study you will learn about estrous cycle and its different stages. I will also discuss the effect of hormones and breeding season. Estrous cycle is a set of recurring physiological changes that are induced by reproductive hormones in all mammalian females except some higher primates. Uh, this cycle starts after sexual maturity and it continues until death and interrupted uh, by, uh, during pregnancies.

इसमें फॉलिकल ग्रो करता है और जैसे ही फॉलिकल ग्रो करता है तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है एस्ट्रोजन हार्मोन जो यूट्रस uh, की वॉल्स हैं जिसको हम इंटरमीडियम कहते हैं तो यूट्राइन लाइनिंग की डिवेलपमेंट को स्टार्ट करते हैं सेकेंड जो स्टेज आती है इस साइकिल में वो है ईस्ट्रस इस स्टेज को इस फेज को हम हीट uh, पीरियड भी कहते हैं इसमें जो फीमेल होती है वो सेक्चुअली रिसेप्टिव होती है ये ओवोल्यूशन फेज है इसमें और ओवल्यूशन क्या होती है फोलिकल से जब एग रिलीज होता है तो इस टाइम को इस फेज को हम ओवल्यूशन कहते हैं तो इस फेज में ओवोल्यूशन होती है फीमेल सेक्सुअली रिसेप्टिव हो जाती है और मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है फॉर मेटिंग पर्पज थर्ड स्टेज है मिटेस्ट्रे स्टेज इस स्टेज को हम ल्यूटल फेज भी कहते हैं इस फेज में क्या है कि जो फोलिकल रप्चर हुआ और हमने बात की थी कि अभी आ, लास्ट ईस्टरे स्टेज में के ओवल्यूशन होती है जिसमें एग फॉलिकल से रिलीज हो जाता है तो वो जो रप्चर फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूट्रियम डेवलप करता है तो इस तो इसलिए इसको तो हम ल्यूट्रल फेज कहते हैं कॉर्पस ल्यूट्रियम प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन रिलीज करता है ये प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन परपज और आ, इसी तरह से यूट्रस की जो कंट्रेक्शन होती हैं उसको सप्रेस करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है अब अगर इस स्टेज में प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये जो यूट्रस की लाइन है ये अगेन रीऑर्गेनाइज हो जाती है फॉर द नेक्स्ट साइकिल ये बॉडी से डिस्कार्ड नहीं की जाती शेड नहीं की जाती दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द एस्ट्रा साइकिल मैंट्रल साइकिल जो बाकी हायर प्राइमरीज में फीमेल में है इसमें क्या होता है कि ये जो लाइनिंग है ये बॉडी से इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी ये बॉडी से इसको शर्ट कर दिया जाता है डिसकॉट कर दिया जाता है जबकि इस्ट्रेस साइकिल में ये लाइनिंग बॉडी से शर्ट नहीं की जाती बल्कि वो रीऑर्गेनाइज हो जाती है और नेक्स्ट जो है वो है एनेस्ट्रेस इसको सेक्सुअल इनएक्टिव फेस भी कहते हैं रेस्टिंग फेस है जिसमें फीमेल सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती एंड दिस फेज इंड्यूस्ड बाय एज प्रेगनेसिस वीकनेस एंड टाइम ऑफ द ईयर लाइक ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन and एंड दिस uh, uh, it is controlled by exposure of light which you know इंफ्लुंस the production of melatonin hormone through pineal gland. Okay, अब हम इस फिगर की तरफ देखते हैं जो कि डिफरेंट ओवेलियन चेंजेस को शो कर रही है और इसके साथ साथ जो अभी हमने डिफरेंट फेजिज पे किए स्टेज पे किए हैं एस्ट्रोसाइकल को तो उसको कर रही है तो uh, ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से ovulation से तो यहाँ पर आप देखें डे दे वन मेंशन है अब इस स्टेज में क्या हो रहा है आप यहाँ पर ओवलेशन ओवलेशन मतलब अभी बताया था कि जैसे फॉलिकल से एग रिलीज हो रहा है तो यहाँ पर देखें आपको एक एग यहाँ से रिलीज होता नज़र आ रहा है जो फॉलिकल से रिलीज हो गया तो ये पीछे है रबचर फॉलिकल ओके और ये बाकी साथ पे कुछ छोटे छोटे इमेच्योर फॉलिकल्स हैं जो अभी ग्रोइंग स्टेज में नहीं है ग्रो नहीं कर रहे और यहाँ पर ओल्ड कॉर्पस ल्यूटम शो किया गया है जो कि पिछले साइकिल से ही Uh, जो कि डिजनरेट हो चुके हैं तो एक ओल्ड कारप्रस ल्यूटम अब नेक्स्ट ये है डे वन में जिसमें ओवल्यूशन हुई है अब नेक्स्ट क्या होगा डे टू टू डे फोर अब इसमें क्या होता है जो रप्चर फॉलिकल था वो एक न्यू कॉर्पस ल्यूटम बनाएगा जैसे यहाँ पर दिखाया गया है एक न्यू कॉर्पस ल्यूटम और और जो ओल्ड कॉर्पस ल्यूटम था वो रिग्रेस हो जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब यहाँ से डिजनरेट हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट में है फ्राम फाइव डेज टू फिफ्टीन डेज जो फॉलिकल था वो मेच्योर हो गया ओके okay. और यहाँ पर बात की, आ, की थी कि जैसे ही फॉलिकल कॉर्पसल्यूटियम जो है वो मेचोर होता है तो वो प्रोजेस्ट्रोन हारमोन रिलीज करता है तो अब नेक्स्ट स्टेज में देखें आप जो डे नाइनटीन टू डे ट्वेंटी तक जा रहा है इसमें देखें जो कार्पसल्यूटियम है वो रिग्रेसिंग शो कर रिग्रेशन शो कर रहा है वो अब ऐसा ऐसा डिजनरेशन की तरफ जा रहा है वो ख़त्म हो जाएगा ओके okay. तो जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन जैसे ही ये कॉर्पस लिट्रम डिजनरेट होगा तो उसकी जो प्रोडक्शन है प्रोजेस्ट्रॉन वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन वे प्रोडक्शन बॉडी में कम होगी तो जो न्यू फॉलिकल्स हैं वो डिवेल्प होना वो ग्रो होना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पर देखें ये न्यू एक फॉलिकल है जो कि डिवेल्प करना स्टार्ट कर रहा है तो नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं वो फॉलिकल जो डिवेल्प हो रहा था वो यहाँ पर मेचोर हो गया ठीक है अब ये साइकिल यहाँ पर एंड हो जाएगा इसी तरह से फिर ये साइकिल नेक्स्ट में अगेन ये जो मेचोर फॉलिकल है वो रप्चर होगा एग रिलीज हो जाएगा रिलीज होने के बाद वो जो रप्चर फॉलिकल है कॉर्पस कार्पल्यूटियम बनाएगा कॉर्पस कार्पसल्यूटियम अगेन मेच्योर होगा मैचोर होने के बाद तो ये साइकिल इस तरह से कंटिन्यू रहेगा अब हम डिस्कस करते हैं कुछ हार्मोन्स की जो हार्मोन्स uh, इस सारे साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं तो इसमें तीन जो है वो मेजर पोर्शन है इस इस पूरे पार्ट के इस पूरे एक्सिस के तीन मेजर पोर्शन है एक है हाइपोथेलमस एक एंटीरियर पेचोट्री और एक ओवरी ओके हाइपोथेलस एक स्पेशल रीजन है हमारे ब्रेन में और ये सिक्रीट करता है गुदे रिलीजिंग हार्मोन ये गुदर रिलीजिंग हार्मोन ये टारगेट करता है हैं ग्लैंड को अब पिच्योट्रिक ग्लैंड के दो लोब्स हैं एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब यहाँ पर हम एंटीरियर लोब को डिस्कस करेंगे एंटीरियर लोब जो है ये हाइपोथेलमस के बिल्कुल नीचे एक डिप्रेशन में सिर्फ नाइट बॉडोन के डिप्रेशन में ये लोब मौजूद होता है ये प्रोड्यूस करते हैं दो हार्मोन फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लिटिनाइजिंग हार्मोन ये हार्मोन थ्रू ब्लड सर्कुलेशन किए जाते हैं ओवरी को टारगेट करते हैं और ओवरी क्या करती है अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एफ का फंक्शन जैसे ही एफ एस एड ओवरी को टारगेट करेगा तो ओवरी में मौजूद जो फॉलिकल्स हैं वो इस हार्मोन से ग्रो इन हार्मोन के इन्फ्लुएंस से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जब फॉलिकल ग्रो करता है तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है तो जैसे ही फॉलिकल ग्रो करेगा एस्ट्रोजन बॉडी में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा एस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे ब्लड में ज़्यादा होता जाएगा तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को हाइपोथेलमस इस पॉजिटिव फीडबैक से क्या करेगा अगेन गुनाइ्रॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जो कि एंटीरियर पेचुटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट करवाएगा अब ये जो फेज है जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है इस फेज में जो एनिमल है अगर हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं काओ की एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इसमें जो काओ होगी उसका वो उसका जो तो नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट होता है और वो डिफरेंट साइन शो करती है लाइक रेस्टलेसनेस शो करेगी फोनेशन

ये ब्लड सर्कुलेशन को ब्लड uh, फ्लो को थ्रू जेनिटल ऑर्गन्स इसको भी इंक्रीज कर देता है जिससे जो uh, 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 वजाइना और सर्विक्स uh, में म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं तो ये डिफरेंट साइंस हैं जो कि फीमेल नाम दे बात की थी काओ की तो जो काओ है वो ये डिफरेंट साइन है शो करेगी जब वो सेक्सुअली रिसेप्टिव होगी या जब वो हीट पीरियड में होगी अब बात करते हैं लिटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही विटनाइज हार्मोन प्रोड्यूस हुआ फीमेल ने सारे साइन जो हैं शो किए ओवुलेशन हो गई अब जैसे ही ओवलेशन क्या एग रिलीज हो गया एग जैसे रिलीज होगा तो पीछे क्या रह जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम वो जो रप्चर फोलिकल है उसने बना दिया कॉर्पस ल्यूटियम डिवेल्प हो गया कॉर्पस ल्यूटियम जैसे पहले ही डिस्कस किया है कि ये क्या करेगा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्ट्रॉन हारमोन करता है अब प्रोजिस्ट्रॉन हार्मोन का लेवल जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा तो ये एक नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथलमस को इससे क्या होगा कि ये जो सारा प्रोसीजर सारा हमने पढ़ा है गुदन ट्रॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ये सारे का सारा पाथवे जो है ये स्टॉप हो जाएगा तो जब न्यू फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ओवरी जो है वो उसमें जो न्यू फोलिकल हैं वो ग्रो करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये सारे का सारा जो साइकिल है ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा तो इस टाइम पर क्या करेगा वो यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करेगा यूट्रस में जो कंट्रैक्शन है उसको सप्रेस कर देगा और जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करेगा यहाँ पर एक और भी हार्मोन है जो इन्वॉल्व होता है इस सारे फिनमिला में जिसे हम कहते हैं प्रोस्टोगलैंडिंग एफ़ टू एल्फा ये यूट्रस में यूट्रस से प्रोड्यूस होता है यूट्रस की जो लाइनिंग है वो ये हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं और ये ओवरी की स्ट्रक्चर्स को इफ़ेक्ट करता है बेसिकली ये जो हार्मोन है ये ओवलेशन को इनिशिएट करता है और वो किस तरह से ये हार्मोन जो आ, अभी कॉर्पस ल्यूटियम की बात की थी जो प्रोजेस्ट्रोन रिलीज कर रहा है तो ये हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को डिजनरेट कर देता है जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्ट्रोन सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगी जैसे ही प्रोटोन प्रोजेस्ट्रॉन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी तो अगेन वो सारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा फौरन साइपोथलमस जो है वो गिट्रॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर देगा वन टोटी को टारगेट करेगा पोलिकोस्टिमुलेटिंग हारमोन रिलीज होगा जो कि फर्दर जो फॉलिकल्स हैं ओवरी में उनकी जो ग्रोथ है डिवलपमेंट है उसको स्टार्ट कर देगा और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन एफ टू एल्फे हैं इसके लिए पॉजिटिव फीडबैक क्या है हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन तो जैसे जैसे प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई होता जाएगा यूट्रस ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगी और ये कॉर्पस कॉर्पोस्लिटम को डिजेरेट करके प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम कर देगा तो ये थे वो सारे हार्मोन्स जो इस सारे स्ट्रोसाइकल को कंट्रोल कर रहे हैं अब इसमें जो हमारे पास मेमल्स हैं इनकी टाइप्स आती हैं आ, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि मोनेस्ट्रस होते हैं अब मोनेस्ट्रस एनिमल ऐसे एनिमल हैं जिनमें सीजनल Uh, एक साइकिल पाया जाता है इस्ट्रा साइकिल एक ही होगा तो सो वी कैन से दैट दे है वन सीजनल साइकिल जिसमें वुल्फ हैं और uh, बेयर्स आ जाते हैं इसी तरह से कुछ पॉलिस हैं पॉलिस्टर्स में क्या होता है दे हैव मैनी साइकिल और जैसे काव uh, की बात करेंगे uh, पिक की बात करते हैं एंड द मेल मेल रिमेन सेक्शली एक्टिव थ्रू आउट द ईयर डियर स्टूडेंट understanding the biological mechanism associated with uh, getting a cow or any mammal breed uh, can be a significant uh, management tool uh, for increasing uh, income or for increasing yield. i hope uh, now you have a clear uh, understanding of this estrous cycle, its different, different stages and uh, different hormones which uh, which, are in, uh, which are involved in this cycle. Thank you.